हेलो जी, राम राम जी सारा ने। उम्मीद करो जी सारे ठीक ठाक हो गए। और सुबह सुबह दिन की शुरुआत गजर पाकता है। आज हम जाऊंगे कैंटीन में, कैंटीन फौजी कैंटीन में सामान लेन कर क्या का मैं नणंद का थोड़ा याद आवा तो सब कन्यू लोभ हो जाएगा। भाई फौजी आ रहा है छुट्टी तो कर लेंगे थोड़ी सी शॉपिंग, कुछ बचत हो जाए उसमें ग्रोसरी के सामान में। ये देखो मेरी माँ खाने लग रही है गाजर पाक, मैंने थोड़ा खा लिया थोड़ा रह रहा है रविंदर। और ये देखो फौजी ने दाढ़ी ना कटवाता कती भी, नु कह दे है आड़ा आके ने मन ने कटवानी नहीं है दाढ़ी बिल्कुल भी। और मेरी मम्मी ने वही बेटा कटवा ले बटे उस आता जब भाई लग गया है ये पता छोरा सा लग गया है कती कटवानी नहीं इसने। देख को लग रहा है मसलन तेल ने। राम राम तो कर दो सारा रे राम राम जी सारे ने। तेल में मालिश में इतना मगन हो रहा है राम राम भी नहीं करी। तो जी बैग लेकर मैं ओलियो कैंटीन जानती तैयार। और आपने मौसम देखो कितनी धूंध है बिगिन की। और हम सियाने बड़े हमने सोचा जल्दी जल्दी निकल लो कैंटीन में भीड़ नहीं मिलेगी, तो पहले जाकर गाड़ी निकाल ले हैं और उसके बाद मैं आपने देखेंगे बीच का रास्ता दिखाऊंगे कितनी धूंध है खेतों में। तो और बिगिन की धूंध पाओगी कुछ। तो जी गाड़ी निकाल ली है और हम निकल लिए हैं देखो। और ये देखो एक चीज दिखाते कितना बुढ़ा खागड़ जान लग रहा है देखियो। और नीचे है पिल्लू, हमारे गली में बहुत पिल्लू हो रहे हैं। देखिए छोटा सा है छोटा, रुक जाओ मैं उतरू नीचे रुक जाओ। भाई पिल्लू आगे बीच में तो ज्योति ने उतरना पड़ गया नीचे, कदे गाड़ी के नीचे ना आ जाए फिर ना पाप सा लग गया। तो जी ये देखो धूंध इतनी हो रखी है कुछ भी नहीं दिखता। देखियो मैंने तेनू बिना बिना टूटा पुल किस टाइम आ देखियो कितनी धूंध। और कै बज रहे 9:30 का टाइम हो रहा है इस टाइम भी इतनी धूंध है। खैर इब ती जाडा करा नहीं था राम जी ने, ईब करेगा सही तरिया जाडा कती जमा इतनी धूंध हो रही है। तू अपने घर आई है जब जाडा हो गया है ना, पहले की क्यों नहीं आई, पहले लिया के क्यों ना आए मने। तो जी जाडा हो रहा है जबरदस्त कती जमा जाडा, इतना कोने धूंध गणी है धूंध गणी है। हाँ तो धुंध में जाडा हवा ना हूं इतनी देखो आगे कती कुछ भी नहीं दिखता, 10 फीट का भी नहीं दिखता कती जमा। तो जी फाइनली पहुंच गए हैं कैंटीन में। और कैंटीन का मेरे ख्याल से 10:30 बजे का टाइम है। और टोकरी टोकरी भी लेके चलनी हो अगर अंदर कार्ड भी काटना हो इतना कार्ड बने एंट्री भी ना हो अंदर। जोर लगा जोर लगा रही हूँ कितना जोर सारा मेरे तरह उठवा रहे हो जूठी एक हाथ मेरा भी लग रहा था। कैंटीन में सामान कुछ नहीं पाया, साबुन पाया ना सिर्फ पाया ना तेल पाया ना कपड़े धोने का साबुन पाया ना। और फिर भी 5,000 का सामान ले लिया। 5,000 का सामान हो गया 200 रुपए कम। हे भगवान है ये जोर लगा जोर है खा के खोरी आज से चुटवाओ आप। तो जी कैंटीन तक भी सामान लेकर निकल लिए हैं हम। और धूंध तक छटन का नाम नहीं ले रही बिल्कुल, इतनी ज्यादा धूंध है। शहर में भी धूंध है ना, तेनू कह रहा शहर में धूंध रहती नहीं। और इतनी एक दो छोटे मोटे काम है, मैंने अपना क्लीनर डाई करना दिया था वो उठाना है और एक दो काम हो रहे हैं। लेकिन 2 दिन तना जो कुछ को है ना वो ही ना बढ़ती। कल हमने सोची थी जिसके मैं गोलगप्पे खा करूँ ना उसका गोलगप्पे खाऊंगी, कल उड़े खान पाए ना है। और वो खुवाणी कही थी, क्या खुवाणी कही थी आपने, जलेबी खुवाणी कही थी, वह जलेबी नहीं खुवाई इसने। आज देखो या खुआओगा या नहीं, पर सुबह सुबह का टाइम कड़ूले भी नहीं मिले मेरे, मैंने कड़ूले भी कही थी जो आम चीज नहीं करे यो करेंगे, वो चीज मिलती है ना होती है नहीं। कल भीड़ घनी होगी थी गोलगप्पे खाने तो वो इससे रोड पे है इससे कल गोलगप्पे आना मिल गया तो गोलगप्पे खाकर जाऊंगा मैं सुबह सुबह ठीक है। सबसे पहले आज पेट भी नहीं होगा, ओहो क्या चीज मिल गई गोलगप्पे। तो जी प्लान में थोड़ा चेंज आ गया है, ये भावे देखे सरदार जी छोले भटूरे वाले तो हम छोले भटूरे हाँ छोले भटूरे खा के जाएंगे। सरदार के गुआने के फेमस फेमस है सरदार। जब हम छोटे छोटे थे जब फिर हम जब कदे एक आधे बार आए थे घने नहीं आए। अच्छा। और जब इतना रुपया होया नहीं कर रहा था कि छोले भटूरे खा ले सफर नहीं हो रहा था तो स्टार्ट कर। तो जी फाइनली आ गए हैं छोले भटूरे। यो के इन दही गिर गई इसमें थोड़ी सी टेस्टी टेस्टी दही। देख छोले भी देख कितने छोटे छोटे छोले इनके बड़े नहीं है देखो ना फाइनली मिल गया तुझे अपने गोलगप्पे हैं। क्या साल बाद में खाई तूने 3-4 साल हो गए मैंने खाते हैं सोनीपत में किधर।
तो जी फाइनली छोले भटूरे खा लिए और दो दो गोलगप्पे खा लिए आज हमने, पेट गया पाट कती ईब चल रही है रानी सा पर ये गोलगप्पे की तो लाड़ी उगड़ी तो जय ते मैंने ईब खा पी लिया है और ईब चलेंगे हम खेत में, खेत और रील बना के आऊंगी बड़ा बढ़िया बढ़िया। तो ये चलो चल रहा है घर की साइड। तो जी फाइनली मार्केट का भी काम हो गया है, आज खर्चा करवा दिया मैंने तड़के तड़के, क्योंकि कल मैं डाई करने जगह गई थी वह लिए है। इब चल लेंगे घर सीधे, इब कितना ही नहीं रुकेंगे बीच में, आंख बंद करके चल लेंगे। करती फाइनली खेत में आ गए आज हम, लेकिन प्लान में थोड़ा चेंज हो गया था। सरक लिया फटाफट ब्लॉक के चक्कर में मैंने रोड नहीं दिखा है ना, खैर दिखा था हमने ऐसी बात नहीं है। और हम घर चले गए, पहले हमने सोचा कि धूंध थी उस टाइम पर बहुत गणी, मैं कुछ ना दिखा खेत में भी, तो हम धूप आए पीछे चल लेंगे। तो जी यो है हमारा रजबाया, हमारे खेत के दौरा पानी लग गया है, आड़े ना धोया करते हम कपड़े धोया करते, और आगे एक और गाठ थोड़े जाया करते धोने, छोटे छोटे थे मैं तो नहीं धोया करती मम्मी अरे, और मैं डूब गई थी मैं एक बार नीचे इस छोटे से रजबाए में, तो डूब मैं भी छोटी सी थी। ये उड़े तुम्हारे खेत हो गए, अपने खेत है ना ठेके पर दे रखे हैं, और पहले तो हम इतने अमरूद खाया करते इन पेड़ के, अरीब जो कोई ठेके पर ले रहा है वो आन तो मारे आन तो पहले दो चार तोड़ जा, जो पक्के हैं वो ही खा जा है। देखो ये है अंगूर की बेल हमारी, इतने अंगूर लग गए थे इसका, मतलब कितने होंगे 100-200 किलो, इतने अंगूर लग गए थे इसका बहुत बने। ये पेड़ सूख गई सर्दी में, सूख जा करे ना पेड़। एक वो रहा अमरूद, इसका और चक्कर काट के देखा इसका कोई पेड़ का छोटा मोटा अमरूद मिल जाए हमने तो। हमारे कोठड़े पर ना यहाँ जो खेत में बनाया करे है उसमें रहा है बिहारी, और ये देखो बिहारी का चूल्हा है नीचे गल रखा है, मेरे तो समझ भी ना यो क्या चीज है, कहते लैटरिन लुटरिन होगी, चूल्हा है चूल्हा है, सफाई कर दी सारी मत सी हूँ क्या है कानी मेरा, ये कोर गाल है इसमें कोर गिर का देखो यो के पाया मने कचर नु का है ले अमरूद तो पाए निकचरी ता है क्या कचरी खा ले अब सुखी ओड़े मेरा अमरूद खाना गणा जी करा था पेड़ के तोड़ के गीचा है ये अमरूद का पेड़ है ये दम देखो काई है नीचे करे मैं तो चल जाऊं ये क्यों लो चिक्कू ला ले ये चिक्कू ला ले इशू ध्यान से बेटे स्लिप ना हो जाए पैर। चिकू चिकू बहुत लग रहे हैं देखो, सब तो मोटा वो है पाक्या पास का है देखो रे कितने मोटे मोटे चिकू तो खूब लग रहे हैं भाई, एक एक नंबर के चिकू देख आलू भी है, देख आलू कुकुर ऊपर आ रहे हैं जड़ते आलू चारा पानी नलके का आ गया आ गया नींबू तोड़ लिए चार नींबू और हमारा इतना सुखरा पीला और तोड़ू ध्यान से बेटा मत जाओ इशु ये देखो इतनी मुंह जोड़ी मिर्च है, एक मिर्च तो इतना क्या कह रहे हैं भूतिया मिर्च, खरीदनी तो मैंने झूठ बोल दी, भूतिया मिर्च मिल रहा है गुवाहाटी में, ये ताड़ की पटना मिर्च है पटना का आगरा है, एक नंबर की मस्त टेस्टी है कति जमा बहुत बढ़िया। ओ भाई मजेदार चीज मिल गई मैंने देखो फुल पोटने नहीं देख दी मिठी काली खा के देख कोनी मिठी है तो काली तो मिठी हो रहा है, चल बना ले हूं फिर तोड़ के लेकर चलूंगी ना देख ये है तू इधर मत आ हमारे साथ देख एक नंबर का स्वाद आ रहा है इनमें भी, ये है सरसों खा के देखोगे रविंदर तो टेस्ट भी ना करे कदे इनने जितना स्वाद मना हो ना इनमें बस इतनी ही खाया करे इनने मन्ने के मेरा हमारे गांव ब्याह रखी है ने को मने कहा हमारे गांव ब्याह रखी है और तड़के उठ के समा पला रोटी तेरे नाम के लिए काट देंगे आगे तो ठीक है चलो चलो ये खाऊं रविंदर ये बताओ यो के है यो के है बताओ यो थारा खेत
नहीं यो क्या उग रहा है बताओ मैं। यो थारे खेत में खेती कर रखी है। यो बताओ यो क्या है, आप बताओ यो क्या है। रविंद्र बेरा इसने क्या होगा, मेथी बथवा को अड़ंगा है यो। टेस्ट लेकर देखो तो फेल हो गया। फेल हो गया तो कुछ दिक्कत ही फैल देगा, पानी चला लग रहा ओ तुम्हें। इन पर ना आम लग गया करें सीजन पर, इतने एक नंबर के जबरदस्त आम। और हमने गुजरात से लाए थे केसर आम। कौन सा वो पेड़ केसर आम? ये केसर आम छोटे छोटे भाई, बस छोटे हैं, एक नंबर के लग नहीं गए। वो बस रोज है, रोज रोज आम है ना नील गाय जो, वो खा जाही ने एक नंबर के लगेंगे इससे। भाई मैंने आड़े बहुत रील बना ली है, और घर के मम्मी बैठी है इतनी दूर न्यू नग गए और न्यू देखन लग रही है टुकर टुकर करके न आऊँ भी गए क्योंकि जब रील बनाओ है ना हमने तो टाइम का पता चलता नहीं। और मम्मी ने तो सलाह कर एक घंटे का भी, दो घंटे हो गए जनू तो देखे माँ मर गई, मैं तो गिर गई पड़ गई, ओई माँ मैं तो पड़ गई देख लिए। देखन लाग देखू तो मैं कैमरे में हूँ, डोले पर चलन लाग रही हूँ। ज्योति फिसल का गिर गई खेत में है, एक बार पढ़ा जाऊँ कंटेंट तो बन जाएगा। ना कंटेंट आज हमने मेरे नहीं के बनाऊंगे देखेंगे, पर कंटेंट बनाना रविंद्र के हाथ में, व्लॉग बनाना मेरे हाथ में हुआ है। तो देखो मम्मी अरे बाट देखना कितना टाइम लग गया माँ है देख नु कह बैठे बैठे हार गए। मैं वो कह रही हूँ काम ना तो आधा घंटा नु लग के है, पांच सात रील बनी है, हमने घना टाइम लग गया देखने लग रही थी जबकि मुकर कर करना है। इतना ईश्वरिया दोनों खेल लिए खूब। ये क्या कर रही है? अमरूद के पत्ते लेके सूंघ है। अच्छा अमरूद के पत्ते लेके सूंघ है। देखो पापी ना तो किसी ने गोसे गसे सारा इंतजाम है हमारे आड़े कोठड़े पे। और यो कद रहा एक कोकी गुट मार दे रुमाए चढ़ जगह छपे। मन ने तो नाट दे है पीने ते, देख आप पीन लाग रही देख। मजा आया पर देख ले स्वाद सा दिया या सुंग है मैंने खुशबू तो खरीद की बुढ़िया रोटी की। मजा आया पर कोई ताऊ तू फोन पर डाड़ो ना आज बेटी चौथ की मैं पियाऊंगा ना नेड़े आज आज मैं तोड़ बेटा शाम भैया भैया रजवाए की मोरी जिसमें कि हम पानी दिया करें आड़े तोड़ रखे है चोरी तोड़ रखी है नाली है इसमें वार आया कर आज इसका वार आज उन किला का वार आज उनके किला का वार जब अपने वार पे सब अपने किला में पानी दिया करें। हमारा पानी की बहुत मौज है आड़े किला में। ये देखो हमारा दादा थान है ये और पानी बहुत मौज है। धान है ना एक नंबर के हुआ है बिना पानी के आड़े इसके पानी मौज है मतलब ट्यूबवेल का पानी नहीं चलाना पड़ता। तो जी ये देखो हमारी कुई परी ते खराब है सूख गई है सारी ट्रैक्टर लगा है। अरे पीछे हो जाओ अरे इतने तो रहे हैं इसका पानी एक नंबर का बढ़िया है बहुत जबरदस्त ठंडी मीठा। और देखो नाम भी लिखा है किसने बनवाई है किसकी याद में बनवाई है जित्तू राम पन्नू की याद में बनवाई है। और ये सारे हैं बना रखे हैं तालाब पर मैंने न्यू नहीं बेरा बना क्या था रखी है गंदे पानी के। अच्छा गंदे पानी का बना रखे होंगे आड़े फिर वेस्टेज जो पानी आ ना सारा वो है पहले तो जोड़ा मिला दिया करते। तो जी मारे खेत हैं कितनी रोड पे किसी ने चाहिए तब बता दियो ठेके पे बेचन तो ही नहीं ठेके पे देश गए दादा लाई जमीन बेचा नहीं करते। जब कर रहे हैं खान पीन की तैयारी और खाने में है आलू मटर की सब्जी और रोटी बनाओगे क्योंकि वो बटेऊ है ना बटेवा इधर ठाठ बाट ना करता खान पीन के तो क्या करे दाल बना दो आलू गाजर मटर की सब्जी इसकी फेवरेट वह बना दो इन्हें पनीर वनीर ना चाहिए मटर मशरूम बना दो जो हमने कल खा ली थी वही हमने बनाऊंगे आलू गाजर मटर की सब्जी और फिर रोटी खाऊंगे बस जी फिर सो जाएंगे। व्लॉग में इतना ही उम्मीद करती हूँ जी आपने हमारा व्लॉग आज का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलियो। और जी मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए राम राम गुड नाइट बाय बाय।